हमारा कौन चले। मैं धन्यवाद केंद्र सरकार का सीबीआई अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने मेरा दबाव माना तो कांड को संभव तो भूल गए मायावती जी के साथ तो उन्होंने किया। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए थे तो उन्होंने कई समीकरण बिगाड़े भी थे, ये बात अलग थी कि कार्यकर्ताओं के दिलों के मिले। हम तब भी 80 में से 64 सीट जीते थे। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अखिलेश यादव पर फायर दिख रहे हैं। जहां भी 2024 के चुनाव को लेकर तूफान उठने को है, उससे पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक कयासबाजी भी तेज हो गई है। अब जहां बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह बता दिया, इस बात के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ट्रैक रिकॉर्ड बता डाले। अखिलेश यादव ने उन तमाम मुद्दों और उन बयानों को दोहरा दिया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने महापुरुषों के साथ नाम बदलने के साथ और बसपा की जो सरकार रही थी उस पर क्या क्या कमेंट किया था, और अब जब मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात अखिलेश कर रहे हैं तो इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आप भी सुन लीजिए। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायावती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश यादव को। अब आज अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा कि हम तो सपना देख रहे थे कि मायावती जी को पीएम बनाएंगे, लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाफ बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है। हमारा कौन सा चले। मैं केंद्र सरकार का सीबीआई अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने मेरा दबाव माना तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो, लेकिन एजेंसीज का असर है। लेकिन अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड को संभवतः तो भूल गए होंगे। आखिर मायावती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना, या इस स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब 12 में मुख्यमंत्री बने थे, ये किसी से छुपा हुआ क्या? और ये बार बार तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं, वही बदलते रहते हैं अपना। तो मायावती जी ने जो बोला है, क्या बोला है, मैंने पूरा बयान पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पार्टी के हित में उस प्रकार का। त्रिकोणीय लड़ाई से आपको फायदा होगा ना सर, अगर बीजेपी वर्सेस वन कैंडिडेट, बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटें 80 में से? हम तो 80 में से 80 लाने के पक्षधर हैं कि 80 में से 80 बीजेपी के पक्ष में। योगी जी, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए थे तो उन्होंने कई समीकरण बिगाड़े भी थे, ये बात अलग थी कि कार्यकर्ताओं के दिलों के मिले। हम तब भी 80 में से 64 सीट जीते थे। बता दें कि बीते दिनों जब 15 जनवरी को बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन मनाया गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। इस हमले के दौरान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बता दिया। तो इस बात पर अखिलेश यादव ने भी तंज करते हुए कहा कि एक समय था जब समाजवादियों ने ठाना था कि एक प्रधानमंत्री ऐसा हो जो वंचित तबकों से आता हो, लेकिन इस बात पर अब बसपा प्रमुख मायावती का क्या कुछ पलटवार आता है। लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर बोलकर सियासत को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टक।